अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में जैसे कि इंग्रेडिएंट्स को देख के ही आपको अंदाजा हो रहा है कि कुछ डिफरेंट सी डिश बनने जा रही है। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है मजेदार सा पिज्जा, और चलिए देखते हैं कि पिज्जा को घर में किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। वैसे तो पिज्जा की बहुत सी रेसिपीज यूट्यूब चैनल पर मौजूद होंगी, तो मैंने भी एक एफर्ट किया है। चलिए देखते हैं, इसके बाद आप सबके लिए घर में पिज्जा बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो पिज्जा बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया मैदा, और मैदे की मैंने यहाँ पे 2 फुल मेयरिंग कप्स लिए हैं और 1 हाफ मेयरिंग कप लिए। अगर आप लोग एक पिज्जा बना रहे हैं, मैं यहाँ 2 पिज्जा बनाने जा रही हूँ, अगर आप लोग एक पिज्जा बना रहे हैं तो आप ये कप फुल ले सकते हैं और थोड़ा सा इससे ऊपर ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप नीम गर्म दूध इस डो को गूंदने के लिए, और साथ ही 1 कप नीम गर्म पानी, उसकी अगर जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे, अदरवाइज उसको यूज नहीं करेंगे, स्किप कर देंगे इसको। हमें चाहिए 1 टेबल स्पून इंस्टेंट यीस्ट, 1 टेबल स्पून शुगर एंड 1 टेबल स्पून की सिर्फ ये टिप मैंने फिल की है सॉल्ट की। अब ये जो 2 स्पून है इसको मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया, तो इन सब चीजों को मिक्स करते हैं। कुछ लोग ड्राई मिल्क पाउडर भी यूज करते हैं, वो ऑप्शनल है, टोटली आप लोग उसको यूज कर भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। मैं ड्राई चीजों को पहले अच्छे से मिक्स करूंगी और फिर दूध की मदद से डो को गूंद लेंगे। ऑयल मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऐड किया था, और बाद में मैंने 1/2 टेबल स्पून मजीद इसमें ऐड कर लिया था। ऑयल का अंदाजा आपको इस तरह से होगा कि जब आप थोड़ा सा आटा अपने हाथ में ले तो वो एक शेप की शक्ल इख्तियार कर जाए। और इंस्टेंट यीस्ट भी मैंने थोड़ी सी और ऐड की थी, क्योंकि जो मैंने इंस्टेंट यीस्ट ली थी वो फुल स्पून फिल नहीं थी, उसको फिर मैंने फुल फिल कर लिया था। डो गूंदते हुए मैंने कोई भी स्टेप मिस नहीं किया, क्योंकि डो पिज्जा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डो अच्छी नहीं होगी तो पिज्जा अच्छा नहीं बनेगा, और अगर आपके हाथ पे आटा चिपक रहा है तो आप अपने हाथ पे हल्का सा ऑयल लगा ले ताकि वो ना चिपके, और इसको अच्छे तरीके से गूंदना है ताकि ये आपके हाथों के साथ चिपकना खत्म हो जाए। यहाँ पे मैंने सारा आटा दूध की मदद से गूंदा था, हमें पानी की जरूरत। डो को आपने स्टोर करना है हमेशा घर, किसी भी गर्म जगह पे, किसी भी कैबिनेट वगैरह में भी आप डो को रख सकते हैं। मैंने माइक्रोवेव को 6 से 7 मिनट के लिए प्री हीट किया था, और इसमें मैं पिज्जा डो को स्टोर कर रही हूँ। और हमारी डो कितनी अच्छी रेडी हुई है इसका अंदाजा हमें डो के राइस होने से होगा। अब हम चलते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ, और स्टेप 2 है चिकन मैरिनेशन। और इसके लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैंने यहाँ चिकन ले लिया है, दही ले लिया, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, सॉल्ट, रेड चिली फ्लेक्स और रेड चिलीज।
1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया था ड्राई कोरिएंडर और 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड किया, और आप इनको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे और तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। चिकन को मैरिनेट होते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। आप मैं चिकन को ऐड कर दूंगी इस पतीले के अंदर ताकि चिकन अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए, और इसके बाद अब हम चलते हैं अपने स्टेप 3 की तरफ जो कि है वेजिटेबल प्रिपरेशन। जी तो वेजिटेबल्स में मेरे पास है कैप्सिकम, इसको मैंने क्यूब फॉर्म में भी कट कर लिया और इस तरह से लंबाई में भी कट कर लिया, साथ है टमाटोज और साथ है अनियन। मैं जब भी पिज्जा बनाती हूँ तो मैं इन सारी वेजिटेबल्स को थोड़ा सा सौते कर लेती हूँ बगैर ऑयल ऐड किए, ताकि इसके अंदर से इनका कच्चापन भी खत्म हो जाए और जो भी पानी है वो भी ड्राई हो जाए, और इस तरह से पिज्जा के ऊपर वेजिटेबल्स का टेस्ट बहुत डिलीशियस हो जाता है। तो इस तरह से मैं इनको सौते कर लेती हूँ। इट्स टाइम टू चेक द चिकन। आप देखिए चिकन अच्छे तरीके से बैटर के अंदर टेंडर हो चुका है और इसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। अब आप इसमें अपनी मर्जी का कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते हैं, कोई भी कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं, और देसी घी भी इसमें ऐड किया जा सकता है। 2 to 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। Now it's time to check the dough कितनी अच्छी बनी थी उसका अंदाजा सिर्फ dough के rise होने से होगा, और हम check कर लेते हैं dough के rise होने को। और ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह dough बहुत अच्छे तरीके से rise हो चुकी है। इसको पंच करके इसके अंदर से एयर बबल्स को रिमूव कर लेंगे और इसके अंदर से सारे एयर बबल्स को निकाल के इसको बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। यहाँ मैंने पिज्जा के टॉपिंग के लिए ले ली है चीज, चेडर चीज और मोजरेला चीज मिक्स है, साथ ही चिकन, ब्लैक ऑलिव्स ले लिए, पिज्जा सॉस ले लिए, और साथ ही वेजिटेबल्स जिनको मैंने थोड़ा सा सौते कर लिया था। तो अब सबसे पहले हम लोग डो को इस तरह से फैला देते हैं। ये सबसे पहले मैं आपको तवा पिज्जा बनाना सिखा रही हूँ कि अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो तवे पे पिज्जा किस तरह से बन सकता है। मैंने इसको तवे पे अच्छे तरीके से डो को फैला दिया है और मैं इसकी एक साइड को पका रही हूँ। बहुत ज्यादा आपने नहीं पकाना रोटी की तरह, बस इस तरह से कि ये सिक जाए थोड़ी सी, और फिर हम इसको पलट लेंगे।
मेरे पास एक और तवा मौजूद था जिसको मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी प्लेट की मदद से भी इसको पलट सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक और मोटी डो पसंद नहीं है तो साफ़ी की मदद से आप हल्का हल्का सा डो को प्रेस करेंगे तो उसकी लेयर बहुत ही बारीक हो जाएगी। और अब मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया पिज़्ज़ा सॉस और चीज़, और इसके ऊपर मैं पहले थोड़ी सी चिकन की क्वांटिटी ऐड करूँगी। वेजिटेबल्स ऐड करके मैं चिकन की एक थिक सी लेयर ऐड करूँगी और फिर एंड पे मैं इस पर ऐड कर दूँगी चीज़, और बिल्कुल लास्ट पे हम इसके ऊपर ओरिगैनो लीव्स और रेड चिली फ्लेक्स को ऐड करेंगे। तो मैं इनको स्टेप बाय स्टेप ऐड करती हूँ। तवा पिज़्ज़ा मैंने बनने के लिए रख दिया, उसको 15 से 20 मिनट लगेंगे बनने में। यहाँ पे मैंने साथ ही एक और पिज़्ज़ा रेडी कर लिया, सारे स्टेप्स मैंने वही फॉलो किए हैं। अब यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव को 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था और इसमें मैं पिज़्ज़ा को तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए रखूँगी और फिर हम मिलते हैं 6 से 7 मिनट के बाद। ये देखिए जी, माशाल्लाह तवा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त बना था और चीज़ इस पर बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी थी, और ये पिज़्ज़ा इसकी क्रस्ट भी नीचे से बहुत अच्छी अच्छे से रेडी हुई थी। मैं आपको इसकी क्रस्ट भी दिखा देती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माइक्रोवेव पिज़्ज़ा भी बन के रेडी हो चुका है। तवा पिज़्ज़ा में और माइक्रोवेव पिज़्ज़ा में फ़र्क ये है कि जो माइक्रोवेव पिज़्ज़ा है वो ऊपर से बिल्कुल ड्राई होता है, जबकि तवा पिज़्ज़ा में हल्की हल्की सी नमी होती है। इसको भी मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। इसकी भी क्रस्ट बहुत ज़बरदस्त बनी थी और टेस्ट तो दोनों का बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही डिलीशियस टेस्ट था। एक दफ़ा आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए जी इसकी क्रस्ट। तवा पिज्जा की क्रस्ट थोड़ी सी हार्ड थी, जबकि माइक्रोवेव पिज्जा की क्रस्ट बहुत सॉफ्ट थी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।